नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और बहु आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें काला कानून बना रही है। जी हां, केंद्र सरकार एक तरफ किसान बिल बनाकर पूंजीपतियों को पोषित करने का प्रयास कर रही है तो राज्य सरकार बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम बनाकर पुलिस को बेलगाम करने की ओर बढ़ रही है। बिना सर्च वारंट के सर्च करना, 72 घंटे तक गिरफ्तार कर रखना आदि ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में बिहार की जनता को काले कानून का एहसास कराएगी, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। श्री मिश्रा ने इसके अलावा विधानसभा में हंगामा, झंझारपुर को जिला बनाने के मामले में सौराठ सभा में नई पंजी व्यवस्था की बात के साथ ही मैथिली मिथिला के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बिहार 24 सच से सामना से बात की। जरा आप भी देख लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। 10-15-20 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सकता है, लेकिन सरकार ने नहीं मानी कि नहीं हमारा खजाना खाली है, हमको राजस्व चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जबरदस्ती टैक्स का दोहन किया है। बिहार सरकार सर्वाधिक टैक्स लेने वाली स्टेट है, अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक टैक्स। आपको होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, बिजली की दरें बढ़ गई हैं, हम उड़ीसा और झारखंड बंगाल की तुलना में ज़्यादा दरों पर बिजली खरीदते हैं, इसमें भी बड़ा घालमेल है। बिजली घर घर पहुंचने का दावा तो करती है सरकार, लेकिन बिहार में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं है। तो अगर आप 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप खरीदार बना रहे हैं। तो बिहार को नीतीश सरकार ने खरीददार बनाया है, यह उत्पादक स्टेट नहीं है, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता। तो यह सरकार जो विकास की दावा करती है, विकास की बात करती है, वो खोखला है। बिजली की दरें आप कहाँ से खरीदते हैं, किस रेट पर खरीदते हैं, वो सरकार आज तक बिहार की जनता को नहीं बताई है। लगातार हमने 10 बार सदन में ये सवाल उठाया कि भाई आप कहाँ से खरीदते हो, रेट बताओ, क्या उससे सस्ते दर पर अन्य स्थानों पर बिजली अवेलेबल है कि नहीं है जहाँ से आप खरीद रहे हो, सरकार इसके जवाब नहीं देती है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है, और सरकार को हम ये बताएंगे कि ये जो सरकार दिल्ली से पटना तक बैठी है उसे आम जनता के हितों का कोई ख्याल नहीं है। यह जनता के ऊपर बोझ और जनता के एक तरह से पॉकेट मारी कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी सदन में मंत्री नहीं बताया मेरे ही प्रश्न पर, 2,40,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो अगर 2,40,000 शिक्षक नहीं है तो मेरा सवाल है कि 15 साल से सत्ता में बैठ के आप कर क्या रहे हैं। 6,300 सैंक्शन डॉक्टर की पोस्ट खाली है। अभी मैं स्थान कई जगह देख रहा था, रास्ते में PSC मकान बना हुआ है लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, रुके पूछा बोला नहीं है, डॉक्टर तो कई सालों से यहाँ कोई नहीं आता है, कोई नर्स नहीं, कोई स्टाफ नहीं है। तो जिस राज्य सरकार में 6,300 सैंक्शन पोस्ट डॉक्टरों के खाली हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो वह सरकार 15 साल से सत्ता में क्या कर रही है, ये एक सवाल है। तो ये इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देती है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी फिसड्डी है, स्वास्थ्य में आपका फिसड्डी है, और जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, चूँकि क्वालिटी एजुकेशन बिहार में नहीं मिलता तभी तो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, रोजगार यहाँ नहीं है। मधुबनी का 3 चीनी मिल बंद है, उसे खोलने के लिए कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया। रीगा चीनी मिल चल रहा था, वो बंद हो गया अभी हाल में। तो मिथिलांचल को लेकर शर्मनाक है। महिलाओं के साथ जो महिला जनप्रतिनिधि हैं जबरदस्ती घसीटा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यह तो अपने आप में नीतीश कुमार के माथे पर एक कलंक है, इस सरकार पर कलंक है। और सबसे दुखद है कल नीतीश जी ने बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस ने ऐसा तो कुछ किया नहीं, गड़बड़ी तो विपक्ष के विधायकों ने किया है। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने उस कृत्य को अपना सपोर्ट कर दिया, यह अनफॉर्चुनेट है। विधायकों को पीटना, महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करना और उसको कहना कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यह मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और नहीं हो सकती। चाहती है लोगों को जागृत करके उसे संगठित करना चाहती है, और हमारा मानना है एक मजबूत विपक्ष, मजबूत कांग्रेस न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार में सरकार के ऊपर मजबूती से अपना अंकुश रखेगी और उसे गलत फैसले लेने से रोकेगी। भाषा गलत हो सकती है, और मेरा मानना है कि राजनीति में और पब्लिक लाइफ में हमें शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, आलोचना शालीनतापूर्वक भी की जा सकती है, हमारा असहमति हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पिटवाएंगे, उनके ऊपर हिंसक प्रहार करेंगे। विपक्ष तो इतना ही चाहता था ना कि पुलिस बिल पर आप चर्चा करिए, आप इसमें सुधार लाइए,
हम उनमें संशोधन देना चाहते थे। आप लोग सब मीडियाकर्मी हैं, क्या कभी चर्चा देखा इस दो दिनों में विधानसभा में किसी विषय पर कोई चर्चा हुई हो? चर्चा ही नहीं हुआ तो आप चर्चा से क्यों भाग रहे थे? आपको बहुमत है तो चर्चा कराइए, डर किस बात का था? लेकिन आपने उकसाया, विपक्ष को उकसाया और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, तो स्वाभाविक है आक्रोश में कुछ ट्वीट लोगों ने किया, कुछ लोगों ने बयान दिए, हो सकता है उसमें शब्दों का चयन करने में थोड़ी बहुत सावधानी नहीं बरती गई हो, लेकिन मनसा इतना ही था कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश हो रही है वह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।